जैसे कि मुकरे 360 करोड़ हो चुका है और जल्दी 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा। बस बहुत ऑप्टिमिस्टिक है हमारी सहेली यहाँ पे, बट घी शक्कर आपके मुँह में। क्या कुछ कहना चाहेगी मैम? जब सोचा था कि ये 100 करोड़ इतना सक्सेस होगा, लोगों को इतना पसंद आएगा, आपका कैरेक्टर, फिर आपके कास्ट है, वो लोगों का कैरेक्टर, मुझे अच्छा लगता है कि ऑडियंस का बहुत प्यार मिलता है, खासकर जो बच्चे हैं उनको चूचे का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, और बाकी जनता को पंकज जी, हनी, लाली, एवरीवन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फिल्म, और एक ऑनसॉम्बल फिल्म है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली साथ में जाके इंजॉय करती हैं, खासकर दिल्ली में, क्योंकि वहीं की कहानी है। तो ये है पुकरे 3, जैसे कि जब कोई मूवी का सीक्वल आता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा अच्छा होगा या फिर सीक्वल से ज़्यादा, लेकिन अब सीक्वल को भी इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। सीक्वल को प्यार मिल रहा है ये बहुत अच्छी बात है, बट आई एम श्योर आप लोगों से बात करेंगे तो वो चूज़ करेंगे कि मेरा फेवरेट 1 था, 2 था, 3 था, वो तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है, वो किस तरह के मूड में, उनको कैसी कॉमेडी अच्छी लगती है। बस मुझे है खुशी इस बात की है कि ऑल 3 आर सक्सेसफुल फ्रेंचाइजेस, सक्सेसफुल फिल्म्स। जैसे कि तीनों पार्ट में सेम स्टार कास्ट है जी, तो कई सारे मूवमेंट्स रहते हैं, मेमोरीज रहती है, वही एक्साइटमेंट, भले ही सेम है लेकिन एक्साइटमेंट अलग होता है, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक्साइटमेंट हम लोगों ने बहुत सारा मज़ेदार लजीज खाना खाया, बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, दिल्ली में, गुजरात में, जहाँ जहाँ शूटिंग हुई, और इन 10 सालों में हम सब की दोस्ती भी बहुत गहरी हो गई है, तो बेस्ट पार्ट वाज टू हैंग आउट विद द कास्ट फॉर मी। तो जो डॉन भोले पंजाबन है वो और एज अ टीचर चले, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है, क्या सेम? मैं डॉन कैसे हो सकती हूँ इन रियल लाइफ? मेरा से आई थिंक हम दोनों कॉन्फिडेंट हैं, बट उसके अलावा देयर इज हार्डली एनी सिमिलैरिटी। ओके, और जैसे कि हमने मूवी देखा तो उसमें ऐसा लगा कि कितने पार्ट फोर भी आएगा, तो उसके बारे में कुछ अपडेट देना चाहेंगे? उसके बारे में आपको एक्सेल मूवीज या डायरेक्टर ही अपडेट दे सकते हैं, डायरेक्टर काफ़ी समय लेते हैं लिखने में, तो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा, बट आई होप कि जो भी हो जल्दी आए। जी, इस मूवी में अली फजल सर नहीं थे, पर्सनली तो आप उनके साथ रहती, लेकिन एज अ शूट में या फिर मूवी जब आप खुद देख रहे थे तो आप उनको कितना मिस किया, उनके सीन? जब मैं मूवी देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो होते तो बहुत और मज़ा आता, और फ्रेम हमारा और खूबसूरत लगता, और कॉमेडीज और इन्हांस होती, बट आई होप कि वो फोर्थ पार्ट में एंट्री करके, आई थिंक उनका जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है फिल्म में अभी फ़िलहाल, वो बहुत वेल रिसीव्ड है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम फुकरे और आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर हीरा मंडी, एन अनटाइटल्ड फिल्म विद जी, एंड वन फॉरेन फिल्म। हीरा मंडी जो कि जैसे कि संजय लीला भंसाली सर जी जी जी, तो उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है, काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट वो लेकर आते हैं लोगों के बीच, तो आपके लिए क्या कुछ नया था? मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, क्योंकि वो हर एक्टर को पुश करते हैं दैट दे गिव देयर बेस्ट। तो आप कितना एक्साइटेड थे जब आपको पता चला कि मैं संजय लीला भंसाली सर के साथ फिर से काम कर रही हूँ हीरा मंडी में, जिसमें और भी अदर कास्ट है? अदर कास्ट तो हर फिल्म में रहता है, हाँ वो तो, पर उनको वो स्पेस में वो माहिर हैं, और अपने फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट करते हैं, फिजिकली भी, मतलब विजुअली भी और इमोशनली भी, तो मुझे मज़ा आता है उनके साथ काम करके। लास्ट मैसेज, जो फुकरे को इतना प्यार दे रहे हैं अपने न्यू फैंस के लिए, और जो लोग आपको और भी आगे देखना चाहते हैं? बस यही कि फिल्म देखते रहिए और फैमिली के साथ जाइए, बच्चों को बहुत पसंद आ रही है फिल्म, इस बात की मुझे खुशी है, और आई होप हम लोगों को ऐसे हंसाते रहें इन द फ्यूचर एज़ वेल।